हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। आज मैं आपको 9th क्लास का ट्रायंगल्स का चैप्टर है जिसकी एक्सरसाइज है 7.1, जिससे हम क्वेश्चन नंबर 5th को आज डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। एक लाइन दी हुई है आपको यहां पे L, ये लाइन L देख पा रहे हैं इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये एंगल A की बाइसेक्टर है, एंगल A यहां पे बना हुआ है, इसकी बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि एंगल ए यहां पे बाइसेक्ट हो रहा है, ये इसके इक्वल है। जो एंगल ए है कंप्लीट एंगल, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये एंगल ऊपर वाला इस नीचे वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बाइसेक्ट कर रही है कौन, लाइन एल। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और बी कोई भी एक पॉइंट है लाइन एल पर, ये रहा। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स, BP और BQ perpendiculars हैं from B to arms of the angle A। Angle A की जो arms हैं, ये angle A है, यहाँ से दो arms निकल रही हैं, इन पर BP और BQ दो perpendicular डाले हैं, BP और BQ, ठीक है। Show that, आपको show करना है कि APB triangle, APB triangle is congruent to AQB, AQB, ये दोनों एक दूसरे के congruent होंगे, ठीक। चलिए तो देखिए, गिवन आपको क्या गिवन है इसमें, एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB। क्यों ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखिए QAB ये वाला एंगल है, जो एंगल हम लेते हैं वो हमेशा बीच में लेते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, एंगल A बीच में आएगा क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो QAB इज इक्वल टू PAB, ये दोनों आपस में इक्वल है, वही मैंने लिख लिया है क्योंकि ये गिवन है ना, आपको बताया कि ये इक्वल है, ठीक। और भी चाहे तो और गिवन में डाल सकते हैं दोनों 90-90, लेकिन मैं अभी फिलहाल में गिवन में इतना लिख देता हूं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, APB AQB के कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ हुआ है नहीं, तो देखिए प्रूफ, मैंने आपको पहले ही कहा था जो ट्राइंगल्स हम प्रूफ करते हैं उन्हीं ट्राइंगल्स में हम ऑपरेट करते हैं, यानी कि इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है, हम इन दोनों को लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी देखिए एपीबी और ए क्यू बी में क्या है, एपीबी में हमारे पास एक तो एंगल 90 है, एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ए, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए बी पी ए एंगल P आ गया, बी क्यू ए एंगल Q आ गया, बीच में आता है जो एंगल लेते हैं बी क्यू ए, क्यू बीच में आ गया, ठीक है, दोनों 90 है। अच्छा और क्या हमारे पास, एक एंगल ये दोनों इक्वल है आपस में, तो क्या लिखेंगे, एंगल बी ए पी आ रहा है, बी ए पी बीच में आ रहा है, और इधर से बी ए क्यू एंगल ए बीच में आ रहा है, एंगल बी ए क्यू, ये दोनों इक्वल है, लेकिन कहां से आए ये दोनों इक्वल है, गिवन दिया है। तीसरा यहां पे ए बी जो आपको दी है दोनों में कॉमन है, क्यों, ए पी बी ट्राइंगल में भी आ रही है और ए बी क्यू में भी आ रही है, तो ए बी कॉमन हो गई, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्यों, कॉमन, ठीक है, ए बी बी ए के इक्वल है, कॉमन। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल एंगल और एक साइड हमेशा कंटिन्यूटी में लेते हैं, ठीक है, एंगल फिर एक एंगल और फिर साइड, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ट्राइंगल ए ये रहा पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये लीजिए फर्स्ट पार्ट तो आपका खत्म हो गया, ये प्रूफ करना था, और एक और हमें क्या प्रूफ करना है, अच्छा इसी में हम बढ़ा लेते हैं, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, हमने टू प्रूफ में एक और लिख लिया पार्ट, बीपी बी क्यू के इक्वल लाना था। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देखिए तो बीपी और बी क्यू इक्वल होंगे या नहीं होंगे, होंगे बाय सीपी सीटी, अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बीपी और बी क्यू भी इक्वल होगा, सो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू by CP CT corresponding parts of congruent triangles, clear, hence proved, ये लीजिए दोनों parts आपके prove हो गए। I hope आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे property लगाई है,
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस को देख पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।